देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को ट्रैफिक व्यवस्था में नंबर वन बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है। शहर में बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से शुक्रवार को ट्रैफिक पुलिस की अहम बैठक हुई, जिसमें ट्रैफिक डीसीपी ने सोमवार से विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया है। इंदौर ट्रैफिक पुलिस अब रंग पंचमी के बाद सोमवार से एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है, जिसको लेकर इंदौर ट्रैफिक विभाग के डीसीपी महेश चंद्र जैन ने अपने सभी ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में साफ तौर पर अधिकारियों को लापरवाह पूर्वक वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया गया, ताकि शहर में बढ़ते सड़क हादसों को भी नियंत्रित किया जा सके। प्रबंधन में हमारे साथ काम कर रहे समस्त ASI साहिबानों की मीटिंग बुलाई गई और उन सभी को पिछले दिनों जो उन्होंने बेहतरीन कार्य किया उसके लिए उनको प्रशंसित भी किया गया और उनसे ये अनुरोध भी किया गया कि रंग पंचमी के बाद ऐसे गैर जिम्मेदार वाहन चालक जो रॉन्ग साइड आकर दूसरे लोगों का जीवन संकट में डालते हैं, जो रेड लाइट का उल्लंघन कर दूसरों का जीवन संकट में डालते हैं, अत्यधिक तेज गति से वाहन चलाकर स्वयं तथा दूसरों का जीवन संकट में डालते हैं, ऐसे गैर जिम्मेदार वाहन चालकों को तो सोमवार से सभी ASI साहिबान भी प्रभावी कार्रवाई करें। 125 से अधिक अधिकारियों को ये निर्देशित किया है कि गैर जिम्मेदारी से वाहन चलाकर दूसरों का जीवन संकट में डालने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध और अधिक प्रभावी कार्रवाई करें। रविवार को रंग पंचमी का त्यौहार है, रंग पंचमी के त्यौहार के बाद ऐसे गैर जिम्मेदार वाहन चालकों के विरुद्ध और अधिक सख्ती से और अधिक प्रभावी कार्रवाई सभी के स्तर से की जाएगी। कृपया जिम्मेदार बने, यातायात नियमों का पालन कर सावधानी से वाहन चलाएं, स्वयं सुरक्षित रहें तथा दूसरों को भी सुरक्षित रखें। इंदौर से अजहर शेख की रिपोर्ट।